गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई से चल रही है? सोच रहा हूँ गुरुजी कैसे गायब हो जाते हैं क्लास लेते लेते। बच्चों रोजे चल रहे थे, उसके बाद में टाइम मिल ही नहीं पाया, लेकिन अब उम्मीद है कि आज मंडे से हम लोग क्लास से रेगुलर लेंगे। सुबह मॉर्निंग में टाइम नहीं मिला पाया, इसलिए इवनिंग में आप क्लास शुरू कर रहे हैं बच्चों, ठीक है? और अब आगे कंटिन्यू रहेगा, आप बेफिक्र रहें। पुराना अपडेट दे दिया था आपको, आपको पता है क्या क्या पढ़ा दिया? नहीं पढ़ाया आपको, नहीं पता तो वो अपना 10 मिनट वाला जो लेक्चर से पहले जो मैंने डाला है वो आप देख लें। आज हम लोग सीधे टॉपिक पर बात करेंगे, ज़्यादा बात नहीं करके। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है बच्चों, 12 जीएससी क्लास के बाद में अगला टॉपिक हमारे पास में है, उसका नाम है बच्चों ओजोनोलाइसिस। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास में, अगला रिएजेंट है ओजोनोलाइसिस, ओजोनो लाइसिस, ओजोनी अपघटन। अच्छा एक बात ध्यान रखनी है बच्चों, इसमें ओजोनोलाइसिस वगैरह हम लोग जो भी बात कर रहे हैं सारा सिलेबस कराएंगे, हम लोग टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसलिए आपको जो जो क्लास जैसे जैसे बताइए वैसे लेनी है आपको। ओजोनोलाइसिस आप जानते हैं जो रिएक्शन विद ओजोन ही कहलाता है हमारे पास में ओजोनोलाइसिस, तो यूं कह सकते हैं सिंपल इट इज रिएक्शन विद, इट इज रिएक्शन विद ओजोन। यह है ओजोन के साथ अभिक्रिया, और ओजोन आप सब जानते हैं ओजोन होता है हमारे पास में O3। जब बच्चों अगर हम लोग ओजोनोलाइसिस की बात करें तो जब हम लोग किसी भी एल्कीन की रिएक्शन, जैसे हम लोगों ने लिया यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, आप इसको क्या कहेंगे बच्चों? आप इसको कहेंगे एथीन। क्या कहेंगे भैया? एथीन कहेंगे आप इसको। जब हम लोग एथीन की रिएक्शन कराते हैं O3 के साथ में, तो हमारे पास में पहले आपको बनाना है झोपड़ी। झोपड़ी बनाने का तरीका सिंपल सा है, डबल बॉन्ड दोनों उड़ा दो, और डबल बॉन्ड दोनों उड़ाने के बाद में आपको झोपड़ी बनानी है। झोपड़ी कैसे बनानी है बच्चों? एक ऑक्सीजन ऊपर, दो ऑक्सीजन नीचे, इसी को हम लोग बोलते हैं ओजोनॉइड। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? इसको बोलते हैं हम लोग ओजोनॉइड। ये ओजोनॉइड हमारे पास में बनता है। जब इस ओजोनॉइड के आगे रिएक्शन हम लोग कराते हैं जिंक के साथ में, तो आपको करना कुछ नहीं है, इसको वाई स्टाइल के अंदर तोड़ देना है। वाई स्टाइल मतलब वाई बना देना है, और वाई स्टाइल में हम लोग इसको तोड़ देंगे तो हमारे पास बन गया ये CH2O, ये बन गया मेरे पास में CH2O। मतलब दो मॉलिक्यूल मेरे पास बन जाते हैं, दो मॉलिक्यूल बन जाते हैं मेरे पास में CH2O के। और CH2O को अगर आप गौर से देखेंगे, CH2O को देखेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं HCHO, CH2O, और इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। अगर मान लीजिए यही रिएक्शन बच्चों करवाई जाए, यही रिएक्शन करवाई जाए हमारे पास में इसके साथ में, तो आप मुझे बता सकते हैं क्या होगा बच्चों? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, जब भी ओजोन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो पहले क्या बनाएंगे? आप कहोगे सर पहले इसमें झोपड़ी बनाएंगे। बिल्कुल बना देंगे। झोपड़ी कैसे बनाते हैं? आप कहेंगे सर डबल बॉन्ड उड़ा दो जहाँ भी डबल बॉन्ड है, और एक ऑक्सीजन ऊपर जोड़ दो और बाकी दो ऑक्सीजन नीचे जोड़ दो। उसके बाद क्या कहोगे? बोले सर उसके बाद में करना कुछ नहीं है, इसको वाई स्टाइल के अंदर तोड़ देना है, और वाई स्टाइल में इसको तोड़ेंगे, रिएक्शन होगी ZN के साथ में। यहाँ हमारे पास में बनेगा CH3CHO, एक बन जाएगा हमारे पास में CH3CHO, और दूसरा बन जाएगा CH2O। और CH2O को ही अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले क्या कहा था? फॉर्मेल्डिहाइड, मतलब ये बन गया HCHO, ठीक है। अगर मान लीजिए बच्चों इसको हम लोग कहेंगे प्रोपीन। क्या कहेंगे बच्चों इसको हम लोग? इसको कहेंगे प्रोपीन, कि भैया जब भी प्रोपीन की रिएक्शन कराएंगे, ओजोन अपघटन कराएंगे, तो हमारे पास में एक मोल बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड और एक मोल बनेगा हमारे पास में एसिटाल्डिहाइड। इसका क्या नाम है बच्चों? इसका नाम है हमारे पास में एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड, और उसका नाम मैं नहीं लिख रहा हूं, आपको पता है फॉर्मेल्डिहाइड। अगर मान लीजिए यही रिएक्शन आप इसके साथ करा दें, इसके साथ करा दें,
नाम बता सकते हैं इसका, आप कहेंगे सर इसका नाम है 2-ब्यूटीन, 2-ब्यूटीन की रिएक्शन कराएंगे, ओजोनोलाइसिस कराएंगे। आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर पहले मैं ओजोनोइड बनाऊंगा, बिल्कुल सही है, फिर वाई स्टाइल में तोड़ूंगा, बिल्कुल सही है। तो इतना सारा काम क्यों करें हम लोग, अब एग्जाम कंपटीशन एग्जाम में इतना वक्त थोड़ी होता है भाई ये सारा काम करें, तो फिर क्या करें सर, बिल्कुल शॉर्ट में चलते हैं। वो इस तरीके से आपको लिख के देगा O3 और ZN, करना कुछ नहीं है, डबल बॉन्ड जहां हो वहीं पर एक, वहीं पर क्या करोगे एक क्रॉस का निशान लगाना, एक ऑक्सीजन इधर चिपकाना, एक इधर चिपकाना, क्या बन गया CH3O, CH3CHO, क्या बन गया CH3CHO, मतलब 2 मोल बन जाएंगे आपका CH3CHO, मतलब 2 मोल आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा भैया 2 मोल बन जाएगा आपका एसिटाल्डिहाइड। बात समझ में आ गई। तो ओजोनोलाइसिस को इस तरीके से बच्चों हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अब कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे वो हम लोग बात करेंगे इसके अंदर, पहले एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट, लिख भी लिया होगा आप तो। चलिए क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन लिखा मैंने, क्वेश्चंस हैं एट ओजोनोलाइसिस ऑफ, एट ओजोनोलाइसिस ऑफ 2-methyl propene the compound will be फॉर्म। क्वेश्चन है एट ओजोनोलाइसिस ऑफ 2-methyl propene द कंपाउंड विल फॉर्म्ड 2-methyl propene का ओजोनी अपघटन कराने पर प्राप्त उत्पाद होगा। ऑप्शन ए है इसके अंदर 2 मोल एसिटाल्डिहाइड, हिंदी में लिख लेंगे 2 मोल एसिटाल्डिहाइड, बी 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड, 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड, ऑप्शन सी लिखेंगे 1 मोल फॉर्मेल्डिहाइड प्लस 1 मोल कीटोन, 1 मोल फॉर्मेल्डिहाइड प्लस 1 मोल कीटोन, ऑप्शन डी 1 मोल एसिटाल्डिहाइड प्लस 1 मोल कीटोन, 1 मोल एसिटाल्डिहाइड तथा 1 मोल कीटोन, ये क्वेश्चन दे दिया बच्चों आपको मैंने, बताइए आंसर क्या होगा। अगर हम लोग बात करें 2-methyl propene की बात कर रहे हैं तो मेरे पास में ये हो गया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, क्या हो गया बच्चों ये आपका हो गया 2-methyl propene। क्या कराना है इसका, ओजोनोलाइसिस कराना है, ओजोनोलाइसिस पता है O3 ZN, क्या करना है लाइन खींचनी है, या ऑक्सीजन इधर चिपकाना है, एक ऑक्सीजन इधर चिपकाना है, क्या बन गया CH3 C डबल बॉन्ड हो, कीटोन बन गया, क्या इधर क्या बन गया SCHO बन गया, क्या तो 1 मोल तो हो गया हमारे पास में कीटोन और 1 मोल हो गया मेरे पास में फॉर्मेल्डिहाइड। कौन सा आंसर चला जाएगा, आंसर चला जाएगा आपका C 1 मोल फॉर्मेल्डिहाइड प्लस 1 मोल कीटोन।
बात समझ में आ गई। मान लीजिए क्वेश्चन आया आपके यहाँ, क्वेश्चन आया एट ओजोनोलाइसिस, एट ओजोनोलाइसिस ऑफ 2,3-dimethylbut-2-N द प्रोडक्ट विल बी, हिंदी में लिख देंगे 2,3-dimethylbut-2-N 2,3-dimethylbut-2-N का ओजोनी अपघटन कराने पर प्राप्त उत्पाद होगा, ऑप्शन ए हो गया हमारे पास में, ऑप्शन ए है 2 mol कीटोन, ऑप्शन बी है 2 mol एसिटाल्डिहाइड, ऑप्शन सी है 1 mol एसिटाल्डिहाइड प्लस 1 mol कीटोन, और ऑप्शन डी है हमारे पास में 1 mol फॉर्मेल्डिहाइड प्लस 1 mol प्लस 1 mol कीटोन। चार ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, 2 mol कीटोन, 2 mol एसिटाल्डिहाइड, 1 mol एसिटाल्डिहाइड, 1 mol कीटोन, 1 mol फॉर्मेल्डिहाइड, 1 mol कीटोन। चार ऑप्शन नजर आ रहे हैं आपको, आपको बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट इसमें बनना है। अब आप इसमें देखो कारीगरी ज़्यादा नहीं है, बस आपको यह है कि कंपाउंड की स्ट्रक्चर फॉर्म करना आपको आना चाहिए, वो मैं आपको बता चुका हूँ जीओसी के 12 लेक्चर के अंदर सब चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अगर हम लोग बात करें तो बनाने का तरीका यह, आपको ब्यूट टू इन पहले लास्ट से देखना है। ब्यूट मतलब चार कार्बन होते हैं, 1, 2, 3 और 4, डबल बॉन्ड नंबर 2 पर है तो ये ब्यूटीन हो गया, 2-ब्यूटीन हो गया। अब 2 पर और 3 पर में मैथिल है, तो यहाँ पर अगर 10 काउंट करते तो 1, 2 मतलब एक तो मैथिल यहाँ पर है और 1, 2, 3 और एक मैथिल मेरे पास में यहाँ पर है। अब बाकी हम लोग वैलेंसी पूरी कर लेंगे तो हमारे पास में हो गया ये 2,3-dimethylbut-2-N। अब उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, आप इसका इसका ओजोनोलाइसिस कराने की दिक्कत ही नहीं है। लाइन खींचेंगे, एक ऑक्सीजन इधर चिपकाएंगे, एक इधर चिपकाएंगे, क्या बन गया, एक कीटोन ये रहा, एक कीटोन, तो क्या बन जाएगा आपका 2 mol कीटोन बन जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 mol कीटोन। बात समझ में आ गई बच्चों? तो हम लोग यूँ कह सकते हैं कि ओजोनी अपघटन एक ऐसी रिएक्शन है, वो कैसी भी रिएक्शन दे सकता है आपको, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओजोनोलाइसिस के अंदर हम लोग कार्बोनिल यौगिक बनाते हैं, तो लिख देंगे ओजोनी अपघटन में द्वारा, ओजोनी अपघटन द्वारा, ओजोनी अपघटन द्वारा, ओजोनी अपघटन द्वारा कार्बोनिल यौगिक बनाए जाते हैं। समझ में आ गई बात आपको? एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन है एट ओजोनोलाइसिस ऑफ, एट ओजोनोलाइसिस ऑफ एसिटिलीन द कंपाउंड विल बी, द कंपाउंड विल बी, एसिटिलीन का ओजोनी अपघटन कराने पर कंपाउंड बनेगा, ऑप्शन ए दिया उसने फॉर्मेल्डिहाइड, ऑप्शन बी दिया उसने एसिटाल्डिहाइड, ऑप्शन सी दिया उसने कीटोन, और ऑप्शन डी दिया उसने ग्लाइऑक्सिल। अब पहली बात तो ये कि एसिटिलीन आपको मालूम होना चाहिए, तो देखो बच्चों स्पेशल केस है, आया हुआ क्वेश्चन है। एसिटिलीन आप जानते हैं, एसिटिलीन होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। अब CH ट्रिपल बॉन्ड CH आपको दिक्कत नहीं है इसका, आपको ओजोनोलाइसिस कराना है। अब तक आपने क्या क्या डबल बॉन्ड को तो काटा था आपने,
डबल बॉन्ड को काटने बाद में ऑक्सीजन जोड़ा था, तो अब भी वही करिए आप। लेकिन यहाँ तो ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो हमें ट्रिपल बॉन्ड में दो बॉन्ड उड़ा दो, इसमें से आप लोग उड़ा दिया, अब एक ऑक्सीजन इधर चिपका दो, एक इधर चिपका दो, तो बताओ एक बॉन्ड से तो जुड़ा हुआ है ना। तो हमारे पास में जो कंपाउंड बना वो बना CHO और ये बना CHO, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लाइऑक्सिल। क्या बोलते हैं बच्चों? इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लाइऑक्सिल। तो अगर आपसे पूछ ले कि अगर एसिटिलीन का अगर हम लोग ओजोनोलाइसिस कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, आंसर है हमें ग्लाइऑक्सिल प्राप्त होता है। बात समझ में आ गई क्या आपको? तो ये आपके ओजोनोलाइसिस पे बेस्ड डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन ओजोनोलाइसिस को पहचानने का तरीका रिएक्शन विद O3 इज नोन एज ओजोनोलाइसिस। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत इसके अंदर? चलिए उसके बाद में अगले हम लोग रिएजेंट की बात करते हैं। इसमें अगला जो रिएजेंट है बच्चों हमारे पास में वो है ग्रिग्नार अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो हेडिंग डालेंगे ग्रिग्नार अभिकर्मक, इसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा आपको। और पहला क्वेश्चन हिंदी में लिखा है, बस उसी के बेस पर बाकी हिंदी में लिख दिए जाएंगे क्वेश्चंस, कोई दिक्कत है नहीं आपको, ठीक है ना? और कोई क्वेश्चन अगर आपको ओजोनोलाइसिस का मिलता है, नहीं होता है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देंगे। मोबाइल नंबर याद है मेरा, दिया हुआ है आपको। (9928686827) इस पे नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे कोई भी आपका क्वेश्चन होगा वो। अच्छा दूसरा बच्चों ये है कि देखो वीडियोस कम आने की वजह भी एक ये है कि देखो आप लोग शेयरिंग कम से कम कर रहे हो, सब्सक्राइब कम से कम कर रहे हो चैनल को। तो बूस्टअप करने के लिए आप अपने दोस्तों को बताओ, शेयर करो, सब्सक्राइब करो भाई। आपको जब क्लास समझ में आ रही है, सही चल रहा है आपका, तो लोगों को बताओ, दोस्तों को बताओ। जितने ज़्यादा बूस्टअप मिलेंगे, सब्सक्राइबर मिलेंगे, उतना ज़्यादा क्लासेस उतनी फास्ट वे में आएगी। अभी आपका काम है आप कितने लोगों को जोड़ सकते हो। तो कोशिश करो कि आने वाले 5-7 दिनों में बस दिल खुश हो जाए, इतने सारे सब्सक्राइबर मिल जाए, ताकि इस चैनल को चलाने के लिए एनर्जी बराबर मिलती रहे, बूस्ट होता रहे। क्योंकि जितने ज़्यादा बूस्ट होगा, आपको पता है जितना ज़्यादा पेट्रोल गाड़ी में होता है, जितनी एनर्जी किसी के पास में होती है, वर्क डन उतना ही होता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरी ऑर्गेनिक विद इनऑर्गेनिक, भाई इनऑर्गेनिक क्या कहेंगे सर, बहुत सारे लेक्चर देखो इसमें जो GOC है वो हमारी जेट और ICR के हिसाब से है, बाकी 12th के बेस पे डाला हुआ है मैंने मटेरियल। लेकिन हम लोग इसमें और अब जेट और ICR के सारे ऑनलाइन लेक्चर डालेंगे, बकायदा जेट और ICR के बेस पर होंगे, BHU बेस्ड होंगे। तो अब उसके लिए बूस्ट आपको करना ही है, आपकी जिम्मेदारी। अब कैसे कर सकते हो बूस्ट, ये आपकी जिम्मेदारी है। बूस्ट करो, दोस्तों को जोड़ो, लाइक सब्सक्राइब बढ़ाओ। आप जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, आपको पूरा जेट ICR BHU के विद क्वेश्चंस प्रैक्टिस ही मेरी जिम्मेदारी है। आपको अमेंडमेंट है मेरा, लेकिन कोशिश ये करनी है आपको अपने दोस्तों को बराबर कहते रहना कि यार क्लासेस तेरे को ज्वाइन करनी है, लाइक और सब्सक्राइब करते रहना है, ठीक है? शुरू करें बच्चों। चलिए बेल आइकन नजर आ रहा होगा आपको यूट्यूब पर, बस ये दबाना है आपको। चलिए बच्चों उसके बाद में अगला जो हमारे पास में है वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एक विक्टर मेयर ग्रिग्नार्ड एक बंदा था, ये विक्टर मेयर ग्रिग्नार्ड, ये विक्टर ग्रिग्नार्ड भी बोलते हैं कुछ लोग इसको, ग्रिग्नार्ड इसने दिया था, ये सन 1900 की बात है तब दिया था ये। अच्छा खास बात ये बच्चों के ये ग्रिग्नार अभिकर्मक जो आपको नजर आ रहा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो आपको नजर आ रहा है, ये केमिस्ट्री में इतना ही फेमस है जैसे फिल्म इंडस्ट्री में शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, सनी देओल को तो आप जानते हैं, ठीक है? तो हाँ समझ गए आप लोग, उसके कारनामे में मालूम है आपको। तो ये सारे जो साउथ के हीरो जैसे फेमस होते हैं बहुत सारे, मुझे नाम नहीं मालूम, तो बहुत सारी मूवीज़ जो आप लोग देखते हैं एक्शन मूवीज ऐसे ये भी एक्शन मूवीज़ में काम आता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो बिल्कुल सिंपल सी बात मैं बताऊँ आपको कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे पास में होता है जब हम लोग एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं मैग्नीशियम के साथ में, तो हमारे पास में इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं हम लोग, तो हमारे पास में बन जाता है RMGX, यही कहलाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अच्छा इसके बारे में, इसकी तारीफ के बारे में ध्यान रखना, इट इज अ
ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, ये एक है कार्ब धात्विक यौगिक, कार्ब धात्विक यौगिक, यह एक कार्ब धात्विक यौगिक है। कार्ब धात्विक या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का मतलब है कि जब कार्बन बंध बनाता है किसी भी मेटल के साथ में, कार्बन जब किसी धातु के साथ डायरेक्ट अटैच होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं कार्ब धात्विक यौगिक या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। आपको नजर आ रहा है कार्बन, आर कार्बन है, मैग्नीशियम से डायरेक्ट अटैच हो रहा है तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ठीक है बच्चों, गिग्नार्ड रिएजेंट की अगर रिएक्शन की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहली रिएक्शन हमारे पास में आती है, नंबर वन रिएक्शन आती है रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड, रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल यौगिकों के साथ क्रिया, कार्बोनिल यौगिकों के साथ क्रिया। अगर हम लोग बात करें इसकी बच्चों पहली रिएक्शन की, या इसको आप लोग केस फर्स्ट कह सकते हैं, केस फर्स्ट में हमने बात कर रहा हूं आपका रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड या कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रियाओं की बात करें बच्चों हम लोग, तो कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं आपको मालूम है कि वो सारे कंपाउंड जिनमें सी डबल बॉन्ड ओ समूह पाया जाता है वो कहलाते हैं, एल्डिहाइड कीटोन को इंक्लूड कर लें वो कहलाते हैं आपको कार्बोनिल यौगिक। और जब हम लोग इसकी रिएक्शन कराते हैं RMGX के साथ में, ठीक है बच्चों, RMGX के साथ रिएक्शन कराएंगे। अब यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि अगर हम लोग इसकी बात करें इस कार्बोनिल यौगिक की, तो आप सबको मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको सबको मालूम है, मुझे मालूम है कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी कम है, तो हमारे पास में यहाँ पर ये वाला जो ऑक्सीजन है ये आपका नेगेटिवली चार्ज है और ये जो है आपका ये पॉजिटिवली चार्ज, ये डेल्टा है, ये डेल बनाया मैंने, है ना, ऐसा बना देंगे इसको सुंदर सा। हमारे पास में अगर हम लोग बात करें बच्चों और इसके अंदर बात करें तो ये कार्बन नेगेटिव है और ये पूरा के पूरा आपका पॉजिटिव पार्ट है, तो आपको ये पता है रिएक्शन बताने जो नहीं होता, नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे जाता है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव जाता है। लेकिन मैं शॉर्ट में आपको ये बताता हूँ कि जब जब रिएक्शन होगी, जब जब अभिक्रिया होगी, तो आर को हमेशा आपको सी पर ही लेके जाना है, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है बच्चों। अच्छा ये बात ध्यान रखें, जहाँ अपनी रिएक्शन लिखी है वहाँ ये लिख सकते हैं, आप जानते हैं R इज इक्वल टू आपका CH3 हो सकता है, जिसको आप लोग मेथिल बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं, हिंदी मीडियम वाले बोल लिख लेंगे इसको मेथिल। और अगर R इज इक्वल टू आपका C2H5 हो सकता है, इसको आप बोलते हैं एथिल, हिंदी में बोलते हैं एथिल, लिख लीजिए। और एक होता है C6H5, इसको आप लोग बोलते हैं फेनिल या इसको बोलते हैं फिनाइल। ये तीन R इजिकल टू हो सकते हैं, मैग्नीशियम MG इजिकल टू मैग्नीशियम है, X इजिकल टू आप लोग जानते ही हैं, X इजिकल टू आप जानते हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन होता है। अगर इसके अंदर रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज़्यादा हमारे पास में होता है यहाँ पर आयोडीन, उसके बाद में होता है ब्रोमीन, फिर होता है क्लोरीन, फिर होता है फ्लोरीन। ठीक है बच्चों, मतलब गिग्नार्ड रिएजेंट जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर अगर RMGX की जगह आयोडीन होगा ब्रोमीन होगा तो रिएक्शन ज़्यादा फास्ट चलती है। ठीक है, अवेलेबिलिटी के हिसाब से इसको देख लेते हैं। अच्छा एक खास बात और है जो यहाँ से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो रिएक्शन है उसका टाइप है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है। ये कौन से अभिक्रिया है? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है भैया ये। तो कार्बोनिल कंपाउंड से जब जब रिएक्शन होगी तो आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इसमें स्टेप क्या याद करना है वो सुन लो यार आप, तो कि जब भी आप RMGX की रिएक्शन कीटोन फॉर्मेल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड या कीटोन से कराएंगे, मतलब सी डबल बॉन्ड ओ वाले डिजाइन किसी कंपाउंड से कराएंगे, तो आर को हमेशा आपको सी पर लेके जाना है, ले जाइए। आप लोग लेकर चले गए, यहाँ पर ये हो गया आर, बचा क्या MGX, ऑक्सीजन के साथ जोड़ दीजिए, बन जाएगा OMGX। पहला काम यही करना, सबसे पहले जब भी RMGX से रिएक्शन कराऊंगा
गिरन्यार अभिकर्मक से रिएक्शन कराऊंगा, आर को सी पर लेकर जाऊंगा। पहला काम क्या होगा, आर को सी पर लेकर जाते हैं, याद रखना। दूसरा काम क्या करना है, फिर सेकंड स्टेप में जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, H2O लिख सकते हैं, इसकी जगह आप H3O+ भी लिख सकते हैं, और कई बार इसकी जगह वो लिख देता है हाइड्रोलाइसिस। क्या लिख देता है भैया, हाइड्रोलाइसिस, या लिख देता है आपको हिंदी में जल अपघटन, एक ही बात होती है। जब जल अपघटन कराएंगे आप लोग, तो जल अपघटन कराना कुछ नहीं है आपको, ये वाला बॉन्ड यहां से तोड़ना है और इधर लिखना है एच, और इधर लिखना है आपको OH। तो मेरे पास में बताइए बच्चों कंपाउंड क्या बन गया, मेरे पास में कंपाउंड बन गया C, ये हो गया R, ये हो गया OH, यहाँ हो गया OH, प्लस यहाँ बन गया मेरे पास में MgX एंड OH। बिल्कुल जो आपको नजर आ रहा है बिल्कुल सही है कि जो कार्बोनिल यौगिकों की जब जब हम अभिक्रिया कराएंगे गिरन्यार अभिकर्मक से, तो हमारे पास में जो यौगिक बनेगा वो बनेगा एल्कोहल, मतलब हम लोग एल्कोहल बनाने का काम करते हैं कार्बोनिल यौगिकों से। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऊपर बाकी की रिएक्शन में ऊपर चलाऊंगा लिख करके, फटाफट से ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए अब मैं आपको रिएक्शन चला के दिखाता हूँ, इसी के बेस पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊंगा, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, आप बस क्लास लेते रहिए, बाकी सब मेरे पे छोड़ दीजिए। अब देखिए बच्चों मैं बात कर रहा हूं, ये दो वैलेंसी आपको नजर आ रही है, दो संयोजकताएं नजर आ रही है, अगर दोनों पर ऐसे एच होता है तो ये आपको नजर आएगा ऐसा, यस और नो, और इसको आप लोग बोलते हो फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड कैसे लिखते हैं हिंदी में आप जानते हो, यार लिख लो एक बार। जब रिएक्शन करा दी मैंने इसकी गिरन्यार अभिकर्मक से, गिरन्यार अभिकर्मक होगा CH3MgBr। आपको सर गिरन्यार अभिकर्मक तो RMgX होता है ना, बिल्कुल सही है, आर की जगह मैंने CH3 लिख दिया, MgBr लिख दिया। आप मुझे बताओ ये आर को मैं कहां लेकर के जाता हूं, आपको सर आर को आप हमेशा बता रहे थे सी पर लेके जाना, बिल्कुल लेकर के जाइए, आर को मैं सी पर लेके चला गया, ये हो गया एच, ये हो गया एच, ये हो गया मेरे पास में CH3, ये हो गया ओ MgBr। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, हो गया OMgBr। उसके बाद क्या कराते थे, उसके बाद मैंने बताया सेकंड स्टेप में आपको कराना है हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन कराना है। बताओ बॉन्ड कहां से टूटेगा, अब मैंने बताया था आपको कि भैया बॉन्ड यहां से तोड़ना है, इधर क्या लिखना है H, इधर क्या लिखना है OH, मुझे बताओ क्या बन गया यहां। आप कहोगे सर यहां मुझे बन गया, देखो हाइड्रोजन कभी भी अलग नहीं लिखते हैं, कार्बन से मिला के लिखते हैं, तो CH3CH2OH मेरे पास में बन गया CH3CH2OH, CH3CH2OH मेरे पास बन गया बच्चों। इसी को आप लोग 1 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, प्राथमिक अल्कोहल हिंदी में बोलेंगे, प्राथमिक अल्कोहल। मान लीजिए यही रिएक्शन हमारे पास में होती इसके साथ में, एक तो H रहता, एक CH3 लिख देता, तो मेरे पास में ये हो जाता। इसको आप लोग बोलोगे, इसको अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, CH3CHO लिखोगे, नहीं लिखोगे, ठीक है CH3CHO लिख दिया, इसको बोलते हैं हम लोग एसिटाल्डिहाइड, आप सब लोग जानते हैं हिंदी में लिख लेंगे एसिटाल्डिहाइड। जब इस एसिटाल्डिहाइड की आप रिएक्शन कराते हैं RMgX के साथ में, तो मुझे बताओ इसको यार RMgX के साथ रिएक्शन, R को कहाँ लेके जाएंगे, आपको सर आपको हमेशा सी पर लेके जाते हैं, ये लो ये हमारे पास में आ रहा है, इसको सी पर लेके चले गए आप, मतलब हमारे पास में बन गया ये H, ये बन गया CH3, ये CH3, ये आ गया OMgBr। उसके बाद क्या कराते थे आपने कहा सर, उसके बाद हम लोग हाइड्रोलाइसिस कराते थे, बिल्कुल करा दीजिए। बॉन्ड कहाँ से टूटता है, आपको होगा सर ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटता है, बिल्कुल तोड़ दीजिए, ये लो। इधर क्या लिखना है आपको सर H, इधर क्या लिखना है OH, अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो हमारे पास बन गया CH3CH CH3OH, मतलब मेरे पास में बन गया ये CH3CH OH CH3+MgBr and OH। ये बाय प्रोडक्ट याद नहीं भी था तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या इसको हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल कहेंगे क्या, बोलो। तो हमारे पास में एसिटाल्डिहाइड से कौन से डिग्री अल्कोहल बना, 2 डिग्री अल्कोहल।
अगर द्वितीय अल्कोहल हिंदी में लिख देंगे द्वितीय अल्कोहल, और अगर मान लीजिए बच्चों यहाँ पर दोनों वैलेंसी CH3 से पूरी होती, CH3 C डबल बॉन्ड हो, तो क्या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे क्या, इसको CH3CO CH3 लिख सकते थे क्या, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं क्या। वापस रिएक्शन कराएंगे हम लोग बच्चों, इसकी रिएक्शन करा दी मैंने CH3MgBr के साथ में, बताओ CH3 ये मतलब कार्बन कहाँ पर जाएगा, C पर, तो ये मेरे पास में बन गया CH3CH3C CH3OMgBr। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या कराना था, उसके बाद कराना था हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन कराना था। हाँ, जल अपघटन में क्या करेंगे, इधर क्या लिखेंगे H, इधर क्या लिखेंगे OH, देखो क्या बन गया हमारे पास, बन जाएगा CH3C CH3 CH3 OH। समझ में आ गया, साथ में बन जाएगा MgBrOH। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं 3° अल्कोहल, इसको बोलते हैं हम लोग तृतीयक अल्कोहल। तो सीधी सीधी सी बात हमारी ये समझ में आती है कि स्पष्ट के अंदर कि जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की रिएक्शन हम लोग कराएंगे कार्बोनिल से, तो पहली बात तो याद करनी जो एग्जाम में आती है, ये नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। ठीक है, दूसरी बात मैंने आपको इसके अंदर एक बात बताई बच्चों कि जब हम लोग इसकी फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन कराएंगे हमारे पास 1° अल्कोहल बनेगा, अगर एसिटाल्डिहाइड से कराएंगे तो 2° अल्कोहल बनेगा, और कीटोन से कराएंगे तो हमारे पास 3° अल्कोहल का निर्माण होता है। इसके 4-5 केस हैं, हम लोग पूरे पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे, बारी बारी से सारे रिएजेंट्स पढ़ते जाएंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाएंगे, पुराने जो रिएजेंट है उसके भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं कराऊंगा आपको, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जुड़ते रहिए, जोड़ते रहिए। ठीक है बच्चों, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।